नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 21 फरवरी 2024 को सेनापति मंगल मकर राशि में बलवान हो रहे हैं, तो इसका धनु राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए, 21 फरवरी 2024 की सुबह मंगलदेव मकर राशि में बाल अवस्था को छोड़कर युवा अवस्था में प्रवेश करने वाले हैं और 14 मार्च 2024 तक मंगल प्रभावी अवस्था में मकर राशि में ही गोचर करने वाले हैं। मंगल की बदल रही चाल जहां समस्त 12 राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव डालने वाली है, वहीं देश काल और वातावरण के ऊपर भी प्रभाव डालने वाली है। इसका धनु राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। देखिए, मंगल को ग्रहों का सेनापति और युद्ध का देवता कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को भाई, भूमि, शक्ति, पराक्रम, शौर्य, साहस, विज्ञान, सौतेली मां, इन सब विषयों का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर मंगल का ही प्रभाव होता है। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी माने जाते हैं और कुंडली पर अगर मंगल प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो तो जीवन में कई प्रकार की सफलता भी देते हैं। बलि मंगल का प्रभाव जीवन में आत्मबल, अनुशासन, जीवनी शक्ति को प्रदान करता है। मंगल अगर बलवान अवस्था में विराजित हो तो खेल, सेना और शारीरिक प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए क्षेत्रों में कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलती है। बलि मंगल का प्रभाव ना झुकने की शक्ति देता है। ऐसा व्यक्ति किसी के अंडर में या किसी के दबाव में रहकर कार्य नहीं कर सकता है। वहीं अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली पर मंगल पीड़ित अवस्था में विराजित हो तो कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। पीड़ित मंगल के प्रभाव से अल्सर, ट्यूमर, रक्तचाप, बीपी की समस्या बनी रहती है। वहीं भाई बहनों के साथ संबंध नकारात्मक बन जाते हैं। मंगल का पीड़ित प्रभाव आत्मविश्वास की कमी भी जीवन में देता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में इसका कैसा प्रभाव मिलने वाला है। धनु राशि वाले जातकों, यह जानकारी आपके लिए ही आधारित है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। मंगल आपके राशि के पंचम भाव और आपके द्वादश भाव के स्वामी माने जाते हैं। 21 फरवरी को यह उच्चस्थ अवस्था में आपके द्वितीय भाव पर प्रभावी होकर बलवान हो रहे हैं। कुंडली के द्वितीय भाव से धन, मुख, वाणी, परिवार, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। मंगल आपके द्वितीय भाव पर विराजित होकर आपके जीवन में कई प्रकार की सफलता देने वाले हैं। सबसे पहले इस समयावधि में मंगल का गोचर आपके व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन बनाएगा और आपके मनोबल में विकास करने वाला है। करियर के मामले में यदि आपका जुड़ाव है, कर्म क्षेत्र में तरक्की के नए अवसर आपको देखने के लिए भी मिलने वाला है। व्यवसायी जातकों के लिए व्यापारिक उन्नति, व्यापार को नए स्तर पर बढ़ाने की क्षमता और व्यापारिक नवीनीकरण देखने के लिए मिलने वाला है। मंगल की अष्टम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जाएगी। वर्तमान समय में ऐसे जातक जो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़कर अध्ययन कर रहे हैं, विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय बेहतर रहेगा। परीक्षा प्रतियोगिता की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके जीवन में सफलता की संभावना देखने के लिए मिलने वाली है। वर्तमान में धनु राशि वाले जातकों का जुड़ाव धर्म, कर्म, अध्यात्म की ओर भी होगा और ऐसी स्थिति भी बन रही है कि आपके जीवन में, आपके घर परिवार में कोई नवीन मांगलिक और धार्मिक कार्यों का आयोजन भी संभव है।
वैवाहिक जीवन के लिए यह समय बेहतर रहेगा। वैवाहिक उत्साह में वृद्धि होगी और जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको मिलने वाला है। और इस समयावधि में धनु राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्याएं बनी हुई है, धन भाव पर ही मंगल प्रभावी हो रहे हैं। आर्थिक उन्नति के अवसर, धन के मामले में बढ़ोतरी आपको आसानी से देखने के लिए मिलने वाली है। और इस समयावधि में आपके उत्साह में भी वृद्धि होने वाली है। इस प्रकार का प्रभाव धनु राशि वाले जातकों के जीवन में देखने के लिए मिलने वाला है। यदि आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए, मंगल जनित दुष्प्रभावों को जीवन से दूर करने के लिए सुंदर कांड हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।